उगोहमी, क्या है उगोहमी। उ से उत्तराखंड, गो से गोवा, ह से हरियाणा, मी से मिजोरम, फिर है अही, अ से अरुणाचल प्रदेश, ही से हिमाचल प्रदेश, फिर है के से केरल, फिर है छवि, ख से छत्तीसगढ़, बी से बिहार, और फिर है झाऊ, झा से झारखंड, और ऊ से उत्तर प्रदेश। 29 राज्यों के नाम आ गए। तो ये एक टेक्निक है। उसी तरह अगर मैं पूछूं कि 7 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताओ, सीधे हम लिख देंगे, चलो दिल दे दो आप। किसी को बोलोगे चलो दिल दे दो आप, हो सकते मार भी बैठे है? चलो दिल दे दो आप। अब जरा गौर से देखो, चौ चंडीगढ़, लौ लक्षद्वीप, दिल दिल्ली, दे दमनदीप, दो दादरा एवं नगर हवेली, आ अंडमान निकोबार, पौ पांडी से, चलो दिल दो दे दो आप। ये हमारा क्या हो गया, 7 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। एक बहुत बढ़िया मुद्दा है, 9th में भी आपने पढ़ा होगा, 10th में भी है आपके सिलेबस में, 3 प्रश्नों के एक ही उत्तर है आएगा, धातु का गुणधर्म बताओ, अधातु के गुणधर्म बताओ, धातु और अधातु में क्या अंतर है। ये 3 प्रश्न है, धातु के गुणधर्म बताओ, अधातु के गुणधर्म बताओ, और धातु और अधातु के बीच क्या अंतर है, साइंस में है। अब इसी को हमने कीवर्ड बना लिया, सभाप आपता उभूमि, उभूमि सभा आपता होगी, ऐसे बहुत सारे हैं। स्मार्ट क्लास शुरू होने जाओ, होने दो, तुमसे ज्यादा व्यग्र मैं हूं, बहुत मजा आने वाला है और बहुत फायदा, जितने भी स्कूल होंगे सबसे ज्यादा फायदा मैं आप लोगों को दूंगा, ये मेरा वचन है। ठीक है, अभी अगले सेशन से हमारे सार लोग काम कर रहे हैं उस पर, अभी उसका एक ट्रेनिंग सेशन भी हुआ था। अभी देखो ये 3 प्रश्नों का उत्तर एक नहीं है, चभाग आपता भूमि, ये हमें कीवर्ड बना रहे हैं। ठीक है, हमने पूरा पढ़ा धातु क्या है, अधातु क्या है, दोनों के गुणधर्म क्या है, दोनों के मध्य अंतर क्या है, फिर हमने उसको एक कीवर्ड बना लिया, और ये कीवर्ड हमें याद रहेगा तो एग्जाम में उसी को हम फैला करके क्या कर देंगे, लिख देंगे। जैसे ये हमें याद हो गया, राम नाम जपते अपने मन खुशियाओ, पंख में उगो हमी अहि के छवि झाऊ, ये 29 राज्य के नाम हो गए। चलो दिल दे दो आप, ये 7 केंद्र शासित प्रदेश के नाम हो गए। अब ये देखो चभा जाता हूं भूमि, पहला क्या है, चौ, पहला ये जो चौ है तो इसमें हरेक अक्षर बताएगा धातु के बारे में, किसके बारे में, और इसका उल्टा कर देना तो अधातु के बारे में, इसका उल्टा कर देना तो क्या हो जाएगा, और गुणधर्म बताओ तो वही धातु का गुणधर्म हो जाएगा अधातु का, और यदि दोनों में अंतर बताएगा तो एक तरफ आप धातु का लिखो और एक तरफ आप, जरा जैसे देखो, चौ धातु चमकीली होती, इसका उल्टा अधातु चमकीली नहीं होती, भा धातु भारी होती, अधातु हल्की होती, देखते जाओ, क धातु कठोर होता है, अधातु मुलायम, आ धातु को पीटने पर आवाज आती है, अधातु को पीटने पर आवाज नहीं आती, और धातु को पीटकर पतली सीट बनाया जाता है। ठीक है, अधातु से हम अधातु को पीटकर पतली सीट नहीं बना सकते, ता धातु को पीटकर, धातु को पीटकर हम तार बना सकते हैं, अधातु को पीट करके हम तार नहीं बना सकते, ऊ धातु उष्मा का सुचालक होता है, अधातु उष्मा का सुचालक, वी धातु विद्युत का सुचालक होता है, अधातु विद्युत का सुचालक होता है, मी धातु से मिश्र धातु बनाए जा सकते, अधातु से मिश्र धातु नहीं, नहीं हो गया हमारा कीवर्ड।